हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रिडी अप्रोच क्या होता है, ग्रिडी एल्गोरिथम का हम किस तरह से यूज करते हैं। सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो जल्दी से हम देखते हैं कि एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक तरह की क्या है, टेक्निक्स है जो किसको सॉल्व करने में यूज की जाती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को। अब क्या कहते हैं, ऑप्टिमल प्रॉब्लम को, मतलब जो भी सॉल्व करती है, जो भी ऑप्टिमल प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक अप्रोच का यूज करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक तरह की क्या है, टेक्निक्स है जिसका यूज हम करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर बात करें कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता क्या है या ऑप्टिमल, जो भी ऑप्टिमल प्रॉब्लम किस तरह की होती है। देखिए, हमने ग्रिडी एल्गोरिथम में पढ़ा था कि ऑप्टिमल प्रॉब्लम क्या होती है। ऑप्टिमल प्रॉब्लम या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम, मतलब या तो हम मिनिमम लेंगे या तो मैक्सिमम लेंगे। अब मिनिमम मैक्सिमम क्या लेंगे, जैसे हम क्या कर रहे थे जब ग्रिडी एल्गोरिथम को हम पढ़ रहे थे, अगर हमें एक नोड से या कह सकते हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाना था तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के पाथ होते थे, मतलब बहुत रास्ते होते थे जिसके जरिए हम क्या करते थे, एक नोड से दूसरे नोड तक जा पाते थे। अब उसमें क्या करता था, जो हमारी ग्रिडी अप्रोच होती थी उसमें क्या करती थी, अब अगर हम बात करें कि अगर हमें इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसमें हम क्या करते थे कि मिनिमम, अब जैसे जो भी हमारी ऑप्टिमल प्रॉब्लम थी उसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस है तो मिनिमम फाइंड आउट करना है, कॉस्ट होगी वैल्यू होगी तो उसको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से, मतलब अब यस से डी तक जाने, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें मिनिमम कॉस्ट यानी कम से कम दूरी को फाइंड आउट करना है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, इसलिए किसका अप्रोच आया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच आया। अब अगर बात करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करती है, जैसे अगर हम बात करें इस ग्राफ में, अगर इस ग्राफ में बात करें, अगर हमें ए से, इस पॉइंट ए से हमें ए तक यहां तक जाना है, ठीक है, मान लो सारे ए है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, इस ए से हमें इस ए तक जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ग्रिडी अप्रोच का यूज करें, यानी ग्रिडी अप्रोच के हेल्प से जाना चाहें, तो देखो ग्रिडी अप्रोच क्या करता है, सबसे पहले अगर इस ए से इस ए तक जाना है यानी मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है, अब ग्रिडी अप्रोच क्या करेगा, सबसे पहले टू को सेलेक्ट कर लेगा और इन दोनों रास्तों को, मतलब जो ए दोनों पाथ है इनको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब अब इसको क्या, अब ये इस रूट को फाइंड आउट करेगा। जब इस रूट पे यहां से यहां आएगा उसके बाद यहां इसको कितना मिल गया, 100 मिल गया, फिर यहां से यहां तक आने के लिए कितना मिल गया, 12, यानी कह सकते हैं 114 मिल गया, ठीक है, 114 मिल गया इस ए से इस ए तक आने तक, मतलब इस ए से मान लो अगर ए ए है तो इसको मान लिया बी तक, ठीक है, चलो इस ए से इस बी तक आने में इसको कितने लग गए, 140 डिस्टेंस को तय करना पड़ा। लेकिन अब अगर बात करें डायनेमिक अप्रोच से, अगर इसको सॉल्व करें, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से वर्क करती है, तो डायनेमिक अप्रोच इस पे किस तरह से वर्क करती है, अब देखो डायनेमिक अप्रोच क्या करती है कि वो सबसे पहले मिनिमम नहीं सेलेक्ट करती, वो क्या करती, ओवरऑल ए से बीस तक, बी तक जाने तक ये सारे जितने भी पाथ है सबको देखेगी, जिसमें कम दूरी डिस्टेंस होगी उसी को वो सेलेक्ट करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, इस टू को भी सेलेक्ट करेगी, टू को भी देखेगी, 50 को भी देखेगी, 10 को देखेगी, ये तो पहला राउंड हुआ है। उसके बाद यहां देखेगी 5 है, 7 है और यहां 100 है। जब यहां देखेगी 100 है, मतलब इन दोनों के अपेक्षा, इन दोनों के कंपेरिजन में ये रूट हमको ज्यादा लॉन्ग पड़ रहा है, तो इसको क्या करेगी, यहीं पर कैंसिल आउट, या कह सकते इसको भी चेक करेगी, ठीक है, इसको चेक करके तब कैंसिल आउट कर देती है, मतलब पूरे रूट्स को ये क्या करती है, सबसे पहले देखती है उसके बाद कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है, इस रूट को कैंसिल आउट कर दी। अब हमारे पास बचे ए दोनों रूट्स, फिर इसको देखेगी यहां से यहां तक आने में 8 और यहां से, अब क्या करेगी, इन दोनों को ऐड करेगी। सबसे पहले क्या, अगर इस वाले रूट की हम बात करें ए से यहां तक, फिर उसके बाद हमें क्या है, यहां से यहां तक आने में, तो 50+7 यानी कह सकते हैं 57 आया, और अगर इस रूट से आते हैं तो 10+5 हो गया 15, 15 अब +8 कितना हो गया, 23। अब इसको जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो कौन से रूट को सेलेक्ट करेगी, इस वाले रूट को सेलेक्ट करेगी, मतलब ऐसे कुछ इस तरह से आएगी। तो इसमें हमें क्या हुआ कि एक ऑप्टिमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ कि आखिर मिनिमम रूट कौन सा होता था।
हालिक यही काम हमारी ग्रीडी अप्रोच भी करता था, लेकिन वो इन जगहों पे फेल हो जाता था। फेल कैसे हो जाता था, हम लोग देख चुके हैं कि अगर सबसे पहले वो सबसे पहले वाले स्टेप्स को लेके चलता था, अगर इससे हमें बी जाना है तो सबसे पहले इन तीनों जितने भी इससे एजेस निकली है सारे एजेस को ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है, जो मिनिमम होती है उसको सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर ये शुरू में मान लिया हमने कि पहले मिनिमम है, बाद में जाके सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है, तब तो ये अप्रोच फेल हो जाती है। तो इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, जैसे फिबोनाची हीप में होता है। अब अगर बात करें कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्या 5 तरह के स्टेप्स होते हैं जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि इट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल सब प्रॉब्लम। देखो जैसे हमने डिवाइड एंड कॉन्कर का अप्रोच पढ़ा था, डिवाइड एंड कॉन्कर का अप्रोच क्या कहता है कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का मतलब कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती हैं, अब हमारे पास अगर हमने मान लिया कि एक हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या किया, दो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। अब इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को फिर से सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, ठीक है, इसको भी सब प्रॉब्लम से, मतलब जब हमारी प्रॉब्लम एकदम इंडिविजुअली तरह से सॉल्व हो सकती, मतलब अब हम एक ऐसे इसको इंडिविजुअली तरह से सेलेक्ट करके सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन अगेन इनको क्या कर देंगे, जोड़ के एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बना देते हैं। तो वही चीज इसमें भी होता है, इसमें क्या कह रहा है कि इट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करता है कि ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है। अब आगे अगर हम बात करें, वी विल बी फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दीज सब प्रॉब्लम, मतलब कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड किया, उसके बाद उन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है, उसके बाद स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ दीज सब प्रॉब्लम, इन जितने भी सब प्रॉब्लम्स होंगी सबकी प्रॉब्लम्स को मतलब स्टोर कर लेते हैं हम, उनकी जो भी डेटा हो उनको हम स्टोर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें दोबारा जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, अगर उससे रिलेटेड वही प्रॉब्लम हमको मिले तो हम डायरेक्ट उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट मतलब वहां पे अटैच कर दें, मतलब बार बार हमें कैलकुलेशन न करनी पड़े। अभी इस चीज को हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि सोल्यूशन जो भी होगा दीज सब प्रॉब्लम्स का, उसको हम क्या करेंगे, मतलब वही कह रहा है कि उसको इसलिए हम सेव करते हैं कि हमें दोबारा जरूरत ना पड़े कि हमें रिकैलकुलेट करना पड़े उसको। फिर फाइनली वी विल कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, फाइनली हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है एप्लीकेबल होती है दिस प्रॉब्लम है सर्टेन प्रॉपर्टीज, उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता है, दूसरा ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है। अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने बताया कि हमने क्या किया कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर हमने मान लिया फिबोनाची हीप के जरिए, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 5 है, तो फंक्शन 5 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो फंक्शन 4 में और दूसरा हमारा फंक्शन 3 में होगा। उसके बाद फंक्शन 4 को हम किन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन 3 में कर सकते हैं और फंक्शन 2 में कर सकते हैं। फिर फंक्शन 3 को किस में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन 2 में कर सकते हैं और फंक्शन 1 में कर सकते हैं। अब फंक्शन इस 2 को किस में कर सकते हैं, फंक्शन यहां पे हो जाएगा फंक्शन 1 और फंक्शन 0 में, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर 2 को क्या करेंगे, यहां पे देखो अब फंक्शन 1 और फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह 3 को भी करेंगे, देखो 3 में क्या करेंगे, फिर फंक्शन हमारा 2 आएगा, फंक्शन 1 आएगा, ठीक है, और इस 2 को फिर से हम जब सॉल्व करेंगे तो फंक्शन 1 और यहां पे क्या आ जाएगा, फंक्शन 0 आ जाएगा। अब देखो हमारे कहने का मतलब क्या, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम थी F5, ठीक है, अब F5 को हमने क्या किया, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर बात करें कितने सब प्रॉब्लम्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे क्या, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने 14 छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो, हमने जैसे कहा कि इसकी जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी सब प्रॉब्लम्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। अभी देखो, जब हमने क्या किया, 5 को 4 और 3 के पार्ट में डिवाइड किया, फिर 4 को क्या किया, 3 और 2 के पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो, यहाँ पे 3 का कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट हुआ है, हमारे पास 3 का सोल्यूशन ए फाइंड आउट हुआ है। मान लिया कि फंक्शन 3 जो हमारे पास था, इसको हमने F2 में तोड़ा, F1 में तोड़ा, फिर F1 को F2 को उसके F1 और F0 में डिवाइड किया। अब अगर हम F3 की इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब F3 आएगा तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ F3 आया, तो इस वैल्यू को हम अगर स्टोर किए, इसका सोल्यूशन F3 का सोल्यूशन, अगर हमने मान लिया कि F3 का हमारे पास सोल्यूशन 0 आता है, ठीक है, मान लिया हमने, तो जब यहाँ पे फंक्शन F3 आएगा तो हमको इनको दो अलग अलग सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ेगी। नीड क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही F3 हम देखेंगे उसमें वैल्यू 0 को पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में वर्क करते हैं, एक फाइबोनाची हीप के तरह। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।